पिछले वीडियो में मैंने अनंग्रति साधना के विषय में बताया था, जिस मंत्र का प्रयोग शीघ्र विवाह के लिए किया जाता है। आज उसी अनंग्रति साधना का मैं एक और बहुत ही सरल और चमत्कारी प्रयोग देने जा रहा हूं। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं पिछली वीडियो का एक दो प्रश्न ले लेता हूं जो अनंग्रति साधना के पार्ट वन में पूछे गए हैं। जिग्नेश वैद्य जी का सवाल है कि इनका डिवोर्स नहीं हुआ है तो क्या पत्नी प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं? देखिए, पहले डिवोर्स हो जाए उसके बाद ही इस मंत्र का जाप शुरू कीजिए, वरना हो सकता है कि आपका डिवोर्स होने से ही रुक जाए। इस मंत्र को करने से आपके और आपके पत्नी के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं वो सुलझने लगेंगे, तो फिर डिवोर्स ही नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप सच में डिवोर्स लेना चाहते हैं तो फिर फिलहाल इस मंत्र को अब मत कीजिए। जब डिवोर्स हो जाए तो उसके बाद ही फिर इस साधना को कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा है कि कामदेव के मंत्र जाप बंद कर देने से चेहरा काला पड़ जाता है, तो क्या यह सही बात है? और अगर यह सही है तो इसका कोई तोड़ है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ये अफवाह है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कामदेवरति मंत्र करे या अनंग्रति मंत्र का जाप करे तो चेहरा काला पड़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस मंत्र का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कामदेवरति मंत्र करने से सौंदर्य की वृद्धि होती है, लेकिन अगर किसी कारण से आपकी साधना बीच में रुक जाती है या बंद हो जाती है तो कोई उसका साइड इफेक्ट चेहरे पर या शरीर पर नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप कुछ मंत्र ही गलत यूज कर रहे हो तो फिर अलग बात है। मैंने जो कामदेवरति मंत्र बता रखा है पिछली वीडियो में और जो अब बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो कल को अगर कोई साधना करने के बाद अगर बंद भी कर देता है तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। अनंग्रति साधना का जो मंत्र मैं आज बताने जा रहा हूं, इस मंत्र को कोई भी कर सकता है। जब आपके मन में हर समय निराशा बनी रहती हो, जब आप दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाते हो, तब इस साधना को अवश्य करना चाहिए। जब आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो और पति पत्नी के एक दूसरे के विचार ना मिलते हो, पति पत्नी में झगड़ा बहुत होता हो, या आपका प्रेमी आपसे रूठ गया हो, या जिससे आप प्यार करते हैं उससे आपका झगड़ा बहुत हो रहा हो, तो ये मंत्र आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है, आपस में प्रेम को बढ़ा सकता है, झगड़ों को दूर कर सकता है। इस साधना को पुरुष अपने शारीरिक कमियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं, अपने सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं, मन में जोश और उत्साह भर सकते हैं, चेहरा अलग से चमकने लग जाता है। इस साधना के दौरान आप अपनी फोटो या सेल्फी लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फोटो बिना किसी फिल्टर के बहुत अच्छी आने लगी है। आपको अपना चेहरा कुछ अलग से ही शाइन करता हुआ नजर आएगा। स्त्री साधिकाएं भी साधना को करके अपने चेहरे पर निखार ला सकती हैं, अपने सौंदर्य के गुणों को बढ़ा सकती हैं। वैसे तो स्त्री साधिकाओं के लिए रति साधना भी होती है, जिस पर मैं समय मिलने पर आगे वीडियो बनाऊंगा, पर यह अनंग रति साधना भी पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकते हैं और बिना किसी भय के, बिना किसी परेशानी के इस मंत्र से लाभ उठा सकते हैं। ये मेरा आजमाया हुआ मंत्र है, मैंने बहुत लोगों को दिया है और सभी को बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। अगर आपके व्यक्तित्व का प्रभाव आपके मित्रों पर, आपके सहयोगियों पर नहीं पड़ता तो ये साधना अवश्य करनी चाहिए। जो अप्सरा या यक्षिणी की प्रत्यक्षीकरण की साधना कर रहे हैं वो अपनी अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना को करते हुए अनंग्रति मंत्र का जाप करेंगे तो उन्हें अपनी अप्सरा साधना या यक्षिणी साधना में बहुत अधिक शीघ्र लाभ देखने को मिल जाएगा। जिन्हें अनंग्रति मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है, उनके लिए तो अप्सरा साधना को सिद्ध करना बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि ऐसे साधकों की तरफ तो अप्सरा स्वतः ही आकर्षित हो जाती है। चलिए अब इसकी विधि की बात कर लेते हैं। इस साधना को वैसे तो किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, पर किसी शुक्रवार से प्रारंभ करना ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। सूर्यास्त के बाद कभी भी साधना के लिए बैठ सकते हैं, शाम को या रात को किसी भी समय जाप कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। अनंग्रति साधना की अनेक विधियां और अनेक मंत्र होते हैं। अलग अलग मंत्र अलग अलग तरीके से काम करते हैं। वैसे तो इस साधना में आप सीधे अनंग देव का मंत्र कर सकते हैं, उससे भी लाभ मिलने लगता है। जो अनंग गायत्री मंत्र है या काम गायत्री मंत्र है, आप चाहें तो सीधे उस मंत्र का जाप करके भी लाभ उठा सकते हैं। पर मैं जो विधि बता रहा हूं उसमें कामदेव के 8 रूप का पूजन अलग से किया जाता है, जिससे साधक को बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। तो इस साधना के लिए आप सामने लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे और उस पर थोड़ा थोड़ा चावल रखकर 8 ढेरी बनानी है। चावल टूटे हुए ना हो, ये ध्यान रहे। अच्छे वाले चावल लेंगे, थोड़े महंगे वाले चावल ले लीजिए, और व्हाइट चावल होने चाहिए, पीले पीले चावल ना हो। उसके बाद प्रत्येक चावल की ढेरी पर एक एक लघु नारियल रखना है,
लघु नारियल बहुत छोटा सा नारियल होता है, लगभग 1 इंच का होता है ये। आप वीडियो स्क्रीन पर इसकी फोटो देख सकते हैं। ये लघु नारियल कई प्रकार की लक्ष्मी साधनाओं में भी प्रयोग किया जाता है। इस पर कभी अलग से वीडियो में डिटेल में जानकारी देंगे। तो 8 चावल की ढेरी पर 8 लघु नारियल रखने हैं। ये 8 लघु नारियल कामदेव के 8 रूप हैं जिनका अलग से पूजन करना है। सबसे पहले 1 लघु नारियल पर मंत्र बोलना है, ओम क्लीम कामाय नमः, और ये मंत्र बोलते हुए थोड़ा सा कपूर चढ़ाना है। उसके बाद दूसरे लघु नारियल को देखते हुए मंत्र करना है, ओम क्लीम भस्म शरीराय नमः, ये मंत्र बोलते हुए थोड़ा सा पुष्प चढ़ा देंगे। फिर तीसरे लघु नारियल पर आपने मंत्र बोलना है, ओम क्लीम अनंगाय नमः, और ये मंत्र बोलते हुए आप थोड़ा सा गुलाब का इत्र चढ़ाएंगे। ध्यान रहे, इत्र मार्केट में पूजा शॉप में नकली मिलते हैं, तो वो वाला इत्र नहीं लेना है। अगर आपको असली इत्र मिल जाए, थोड़ा ढूंढेंगे तो आपको असली इत्र मिल जाएगा। जो इत्र की शॉप होती है जहां सिर्फ इत्र मिलते हों, वहां से आपको असली इत्र मिलेगा। तो उनसे आप छोटी सी इत्र की शीशी खरीद लीजिए, गुलाब का इत्र ले लीजिए, और उसमें से थोड़ा सा इत्र निकाल करके मंत्र बोलना है और लघु नारियल पर इत्र चढ़ाना है। मतलब थोड़ा सा इत्र आप अनामिका उंगली पर लेंगे और लघु नारियल पर लगा देंगे। फिर चौथे लघु नारियल को देखते हुए मंत्र करना है, ओम क्लीम मन मथाय नमः, और थोड़ा सा पुष्प चढ़ा देंगे, गुलाब का पुष्प। उसके बाद पांचवें लघु नारियल को देखते हुए मंत्र करना है, ओम क्लीम वसंत सखाय नमः, और कुमकुम चढ़ा देंगे। छठे लघु नारियल को देखते हुए मंत्र करना है, ओम क्लीम स्मराय नमः, और एक आंवला चढ़ा देंगे। अगर आंवला नहीं चढ़ा सकते तो गुलाब का पुष्प चढ़ा देंगे या पुष्प की पंखुड़ियां चढ़ा सकते हैं। सातवें लघु नारियल को देखते हुए मंत्र करना है, ओम क्लीम इक्षु धनुर्धराय नमः, और चंदन का टीका लगाना है। चंदन सफेद वाला चंदन ले सकते हैं। और आखिरी जो लघु नारियल है उसको देखते हुए मंत्र करेंगे, ओम क्लीम पुष्प बाणाय नमः, और थोड़ा सा गुलाब का पुष्प चढ़ा देंगे। तो ये कामदेव के 8 रूप हैं। इस प्रकार से इनका पूजन करने से मंत्र बहुत अधिक और शीघ्र लाभ देने लगता है, अनंग देव की पूर्ण कृपा होने लगती है। अब साथ में आपने कामदेव यंत्र रखना है, जो चाहे वो तांबे का हो चाहे तावीज वाला हो, कोई सा भी यंत्र आप रख सकते हैं। और साथ में एक रति गुटिका रखनी है। इन दोनों पर भी गुलाब के पुष्प चढ़ाने हैं या गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियां चढ़ा सकते हैं। और प्रसाद के रूप में आप मिश्री चढ़ा सकते हैं या सफेद रंग की कोई बर्फी हो वो चढ़ा सकते हैं। घी का दिया लगाएंगे और दिया जलाकर उसे अपने दाहिनी ओर रखेंगे। उसके बाद जो मंत्र है, जो आपको वीडियो स्क्रीन पर दिख जाएगा, उस मंत्र की आपको 5 माला मंत्र जाप करना है। 5 माला मंत्र जाप करने के बाद रामदेव यंत्र और रति गुटिका पर पुष्प के पंखुड़ियां चढ़ानी है और प्रणाम करना है, और उनसे प्रार्थना करना है कि आप मेरे शरीर में स्थायी रूप से आवास करें और मेरी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। तो पहले दिन 5 माला जाप करना है और उसके बाद प्रतिदिन एक एक माला इस मंत्र का जाप करना है। जैसे ऐसे नित्य आपका मंत्र चलता रहेगा, आपको अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। आपके सौंदर्य की वृद्धि होने लगेगी, आपके आकर्षण में वृद्धि होने लगेगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, घर परिवार में जो झगड़े हो रहते हैं वो भी दूर होने लगेंगे। कम से कम 40 दिन तक इस मंत्र का जाप अवश्य करें, एक एक माला नित्य। उसके बाद भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है इस मंत्र का। इस साधना को करने से आपका गृहस्थ जीवन आनंद से बीतेगा। फिर भी यदि आप चाहें तो 40 दिन के बाद सभी सामग्रियों को आप प्रवाहित कर सकते हैं, हर माला अपने पास रखे रहे और उसी माला से नित्य एक एक माला जाप करते रहे, या फिर हर शुक्रवार को भी इस मंत्र का जाप करते रहे, ताकि मंत्र की ऊर्जा बनी रहे और अनंग देव की कृपा मिलती रहे। इस साधना में आप सफेद हकीक की माला का प्रयोग कर सकते हैं। साधना बंद होने पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आप चेहरा काला पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर लंबे समय तक आपने साधना नहीं करी, मान लीजिए 40 दिन साधना करने के बाद आप 1 साल तक इसका मंत्र नहीं किए, तो धीरे धीरे इस मंत्र का प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा और आप जैसे दिखते थे वैसे ही दिखने लगेंगे। चेहरे पर जैसे चमक पहले थी वैसे ही होने लगेगी। इसलिए मंत्र की सिद्धि बनाकर रखें, उसको मंत्र को समय समय पर जागृत करते रहें, चाहे हर शुक्रवार मंत्र को करते रहे या महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन उस मंत्र को करते रहें। और नित्य एक माला जप कर सकेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नित्य मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत शीघ्र ही आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय गुरुदेव।